तो कैसे आप सब घर आहेत ना, असायलाच हवं। और बहुत ज्यादा थैंक यू सब लोगों को जो लास्ट वीडियो पे आपने प्यार दिया, ऐसा मतलब प्यार कैसी बारिश से कर दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और उस पर कुछ कमेंट्स भी थे यार, तू चाइनीज फोन का रिव्यू करता है, चाइनीज फोन यूज करता है, चाइनीज टीवी यूज करता है, तो आज हम देखेंगे स्मार्टफोन्स का सच और बताऊंगा कि क्या सच में क्या सिचुएशन है इंडिया में और क्या है, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले चलते हैं 2014 में, जहां पे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, जोलो जैसे कंपनी तबाही मचा रही थी मार्केट में। तब सैमसंग एकदम ऐसा और रेस में तो था, बट एट दैट टाइम माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा ये तीन इंडियन कंपनीज टॉप सेलर्स थी। इनफैक्ट 2014 में माइक्रोमैक्स ने सैमसंग की सेल्स को ओवरटेक कर दिया था, बट बाद में माइक्रोमैक्स सडनली ड्रॉप हो गए। क्यों? एक जमाना था जब अपना वुल्वरीन एडवर्टाइजमेंट ब्रांड एम्बेसडर था माइक्रोमैक्स का, वो सिचुएशन से एकदम कंपनी बंद होने तक इतनी वर्स सिचुएशन क्यों? तो उसका सबसे पहला रीजन है जो स्ट्रैटेजी माइक्रोमैक्स ने अपनाई थी वो बहुत ज्यादा घटिया थी। माइक्रोमैक्स क्या करता था, वो जाता था चाइना, चाइना जाता था, चाइना से लेता था फोन्स और उसको इंडिया में लाके अपना नाम चिपका के दे देता था। तो ऐसा चला एक दो साल, बट जब शाओमी, ओप्पो, वीवो ये कंपनीज इंडिया में आई तो वो जेन्युइन कंपनीज थी जो कम प्राइस में लोगों को ज्यादा फीचर्स और ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, तो लोगों ने शिफ्ट करना चालू कर दिया। और उसका सबसे बड़ा कारण था जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई थी वीवो और ओप्पो ने। हर किसी भी स्टोर में जाओगे तो आपको माइक्रोमैक्स लावा की जगह पे ओप्पो वीवो यही स्मार्टफोन्स देखने को मिलते थे। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से उनको सक्सेस मिला। और जैसा कि लोगों को पता आगे चला कि माइक्रोमैक्स ये स्ट्रैटेजी यूज कर रही है, तो लोग ज्यादा रिलाय करने लगे ओप्पो वीवो और शाओमी पे। तब से माइक्रोमैक्स का डिक्लाइन चालू हुआ। अब आते हैं 2016 पे, जब इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तब गवर्नमेंट बोला, भाई देख, तू पूरा फोन जैसा का वैसा इंडिया में लाता है और लोगों को बेचता है तो तेरे को लगेगा ज्यादा टैक्स, लेकिन अगर तू कंपोनेंट्स लाता है और इंडिया में उसको असेंबल करके बेचता है तो तेरे को लगेगा कम टैक्स। तो इस इनिशिएटिव की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक चालू हुई, मतलब असेंबलिंग तो चालू हुई। ओप्पो असेंबलिंग करने लगा, वीवो असेंबलिंग करने लगा, शाओमी असेंबलिंग करने लगा। तो अब खुद सोचो, वो तीन चाइनीज कंपनी जो इंडिया में कुछ तो कर रही है, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रही है जिससे कि इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है, और एक थी माइक्रोमैक्स जो कुछ नहीं, बस चाइना से जाके प्रोडक्ट यहाँ पे लाके बेच रही थी। तो ऐसा हुआ माइक्रोमैक्स का डिक्लाइन और लोग ज्यादा रिलाय करने लगे शाओमी, ओप्पो, वीवो पे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई स्मार्टफोन्स की, पूरी तरह से नहीं, जो कैमरा सेंसर से, पीवीसी बोर्ड से, या फिर कुछ जो इंटरनल सेंसर से, वो अभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, बट 70% कंपोनेंट्स ऑफ अ फोन अभी इस वक्त इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे। देखो, कोई भी चीज अगर उसको करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप देखो टिकटॉक, टिकटॉक बहुत सालों से इंडिया में था, बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल उसे यूज कर रहे थे, आज वो बैन हो गया तो पब्लिक उसका अल्टरनेटिव यूज कर रही है, बट बैन होने के बाद उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है? अगर हमने अभी सीधा बैन किया स्मार्टफोन्स को चाइना के, बायकॉट किया, तो हमारे पास उतने ऑप्शंस बचते ही नहीं है। अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है
तो जैसे जैसे ये पीबीसी बोर्ड कैमरा सेंसर्स इंडिया में बनना चालू होगा, तब जाके एक प्रॉपर इंडियन कंपनी जो मैन्युफैक्चर इंडिया में करती है, असेंबल इंडिया में करती है और इंडिया में बेचती है, तब जाके इंडियन स्मार्टफोन मार्केट एक नए ऊंचाइयों पर जाएगा। और रही बात प्रोसेसर की, तो आई डोंट नो आप अवेयर हो या नहीं, लेकिन इंडिया ने अपना एक प्रोसेसर बना लिया है, जैसे कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, किरिन विरिन, बहुत से प्रोसेसर है। वैसे इंडिया का भी एक प्रोसेसर है शक्ति करके, जो फिलहाल तो अभी यूज में नहीं है, उसकी पावर कंपेबिलिटी अभी तक नहीं पता, वो इन फ्यूचर देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए। और जैसा कि एट दिस सिचुएशन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे इंडिया में है, नोएडा में, जिसे सैमसंग ओन करता है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के स्मार्टफोन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दिन ऐसा होगा कि हाँ, सैमसंग को टक्कर देने वाला, वन प्लस को टक्कर देने वाला और ओप्पो वीवो को टक्कर देने वाला एक इंडियन ब्रांड होगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा, असेंबल करेगा और प्राउड से पीछे लिखेगा मेड इन इंडिया। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि ऐसे इवोल्यूशन एक दिन में या एक महीने में नहीं होते, इसके लिए हमें टाइम लगता है और वो टाइम हमें इंडिया को देना होगा। तब तक के लिए ये स्मार्टफोन को यूज करना ही होगा, हम उसे डायरेक्ट बायकॉट नहीं कर सकते। ये लोगों को समझना होगा कि अरे यार, हमें इंडिया को टाइम देना है अपना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो ये था इस वीडियो में, अगर और कुछ चाहिए या फिर और कुछ मुझसे छूट गया हो तब तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।